नहीं, तंबाकू ही है। एक बार कलयुग बहुत निराश हुआ, कथा बहुत निराश हुआ कि सब ये धर्म का लोग पालन कर रहे हैं, हमारा बस नहीं चलता है। अब छोड़ने जा रहा था भारतवर्ष को, ये पृथ्वी से भागना चाहता था, तब तक तंबाकू उसे मिल गया। सरकार क्या बात है, तो अब मेरा शासन कोई मानता नहीं है, मैं अब पृथ्वी से भागना चाहता। सभी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार काम कर रहे हैं, धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं, हमारा अब यहाँ गुजारा नहीं। तो तंबाकू कहा, वो भी एक व्यक्ति के रूप में था, हो सकता है कोई खान नाम होगा चाहे कुछ कलयुग का। तो कहा कि सरकार आप इतना निराश मत होइए, मैं सब मटिया मेट करूँगा, सब मटिया मेट करूँगा। तो कलयुग ने पूछा कि क्या करोगे, तो अब देखिए, तो मैं वर्ण धर्म नहीं रहने दूंगा, आश्रम धर्म नहीं रहने दूंगा। तो वर्ण धर्म कैसे पता चलता है, खान पान से चलता है ना, मैं खान पान सबका बिगाड़ूंगा। तंबाकू कहा, मैं ऐसी वस्तु हूँ कि जिसको कोई भी वर्ण वाला पिएगा खाएगा। वे तंबाकू देखिए, खैनी जिसको इधर कहते हैं, और सूरती कहते हैं, सूरती कहते हैं, ये पहले सूरत से आया था इसीलिए इसे सूरती कहते हैं। आज भी सूरत बड़ौदा के साइड में देखेंगे तो तंबाकू से सारा खेत भरा हुआ है, इसको सूरती भी कहते हैं, सूरती नहीं सूरती। इसने कहा कि हमको ब्राह्मण भी खाएगा और शूद्र भी खाएगा, मियाँ भी खाएगा, क्रिश्चियन भी खाएगा, देखिए तो हम क्या करते हैं, कहाँ रहेगा वर्ण धर्म। देखते हैं संसार में सब जगह तंबाकू ठोक ठोक करके आदमी स्वयं खाता है, दूसरों को दे देता है। और तंबाकू खाने में क्या ब्राह्मण का और शूद्र का कोई भेद है, नहीं, उसमें छुआछूत है ही नहीं, कोई छुआछूत नहीं है। कोई मल करके दे रहा है और कोई खा रहा है, और चीज़ भात रोटी खाने में, अब तो वो भी ख़त्म किया कलयुग, अरे वो तंबाकू ख़त्म किया, लेकिन पहले ऐसा था, विचार होता था, लेकिन भोजन में विचार होता था, अब कुछ नहीं। अब ब्राह्मण है, राजपूत है, हो सकता है कि घर पर कुछ धर्म का पालन करता हो और जाकर के होटल में वही खाता है। देखा गया कहाँ ब्राह्मणत्व रहा, कौन क्षत्रिय रहा। क्षत्रिय का सारा बल मुर्गा को काटने में लगता है, यही भारी विजय है, यही युद्ध है। देख रहे हैं चारों तरफ, खास करके सार्वजनिक स्थान पर, हम लोग कुदरा आते हैं कभी, तो कुदरा हाईवे जब छोड़ते हैं तो बगल में ही कितने मुर्गे रखे रहते हैं हत्या करने के लिए, और मांस खाने में भी छुआछूत नहीं है, अन्न में सब दोष लगता है, मांस में दोष नहीं है। आज कितने मुर्गों के प्राण गए होंगे, कितने बोतल आज खाली हुए होंगे, ये मनुष्य की चेतना। आप लोग भाग्यशाली हैं कि 1 जनवरी को भगवान कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, भगवान से संबंध हो रहा है। और कितने लोग ये शगुन करते हैं कि आज खा लेंगे तो सालों भर मिलेगा, यही शगुन। जो लोग किसी दिन नहीं पीते होंगे आज समहूत करेंगे। क्या डल माइंड, बुद्धि कितनी कम है मनुष्यों की, और इन सब बातों को सिखाने वाले बड़े बड़े लीडर। कभी कभी कहते खाओ पियो, खाने पीने के साथ भजन का कोई संबंध नहीं है, खाओ पियो भजन करो, भजन को और
भोजन को एक साथ मत रखो, भोजन अलग चीज है और भजन अलग चीज है। कोई भी भोजन करके और भजन किया जा सकता है, हाँ भजन किया जा सकता है, पांच पांच बार नमाज पढ़ के और गाय खाया जा सकता है। इस तरह के चेतना वाले मनुष्य संसार में, क्या है उस नमाज पढ़ने में और प्रार्थना करने में, शराब पी करके मांस खा करके ओम जय जगदीश हरे करके, जो कोई ध्यावे शरण में आवे उसका संकट दूर करे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मनाते हैं ईश्वर से सारा सुख हमारे घर में आ जाए, सारा धन हमारे घर में आ जाए, इस तरह की बोली बोलते हैं। जाते हैं मंदिर में भी, हनुमान जी के पास, माता दुर्गा के यहाँ, भगवान शिव के यहाँ, लेकिन खाने के विषय में शिव जी से कोई परामर्श नहीं, दुर्गा जी से कोई पूछना नहीं, बल्कि खाने के विषय में जितना कंडम चीज है वे लोग ये कहकर खाते हैं कि इसको शिव जी भी खाते हैं और दुर्गा जी भी खाते हैं। एक बार इसी गांव में एक ब्राह्मण आए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि गुरुजी हम मंत्र लेना चाहते हैं, कहाँ के पंडित थे पता नहीं, वो कहे कि तो भाई और शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान रहेगा, तो कहे नहीं वो चलेगा लेकिन मंत्र दीजिए। तो वो कहे पंडित जी वो तब तो दुर्गा जी का मंत्र ले लो, उसमें छूट है, विष्णु भगवान का मंत्र नहीं लेना। तो क्या दुर्गा जी खाती है, दुर्गा जी काहे को खाने जाए। एक बार की वार्ता है, कथा है कि रामकृष्ण परमहंस के पास एक ब्राह्मण आया करते थे, तो फिर वृद्ध हो गए, बहुत वृद्ध हो गए, तो रामकृष्ण परमहंस जी पूछे अब माता दुर्गा जी को बकरा उकरा भोग लगाते हैं कि नहीं, तो कहना आई अब छूट गया, अब नहीं लगाते क्योंकि अब दांत नहीं रहा तो क्या। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहे कि तो आपके दांत से खाती हैं क्या दुर्गा जी। दुर्गा जी को इसलिए नहीं खिलाते हैं कि अब इनके दांत नहीं रहे, अब दांत नहीं है तो क्या करें। तो ये कहो ना कि अपने लिए पका रहे थे, दुर्गा जी का नाम क्यों बदनाम करते हो। जैसे लगता है कि दुर्गा जी का दांत इनके मुंह में फिट किया गया है, अगर ये खाएंगे तब तो दुर्गा जी खाएंगे, नहीं तो उनका दांत सब टूटा हुआ है, सब चलता है बाहर। तो जिस शरीर में भगवान का भजन न हो तो ब्राह्मण का जन्म भी, तीन प्रकार का जन्म भी बेकार है। अरे जिनके विषय में लोक में ऐसी बात है कि ये गोपियाँ अपने पति को छोड़ दी हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं, ये भ्रष्ट हैं, कहाँ ये गोपियाँ बनचरी, और कहाँ लोगों का जो अपवाद इनके विषय में है कि गोपियाँ ऐसी हैं, और कृष्णे कचैस परमात्मा निरूढ़ भाव, और परमात्मा भगवान कृष्ण में ऐसा दिव्य प्रेम, गोपियों की एक तरह योग्यता देखी जाए तो उद्धव जी ये कहते हैं कि भगवान के प्रसाद में, भगवान की प्रसन्नता में जाति कुल और आचार नहीं है कुछ भी महत्व। भगवान जाति नहीं देखते हैं, आचार नहीं देखते हैं, आचरण नहीं देखते, वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे कितना प्रेम कर रहा है। यही कारण है कि भगवान अपने अवतार में कुल भील से प्रेम किए, वन में 14 वर्ष के लिए गए और वहाँ अयोध्या से कोई व्यक्ति उनके पास नहीं था, लक्ष्मण जी को छोड़कर सब जगह साथी थे। साथी कौन थे, राय देने वाले मंत्री भालू बानर थे,
केवट मित्र था निषाद राज। तो भगवान भाव के भूखे हैं ना, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। श्री गोपियों ने सब कुछ छोड़ करके भगवान से प्रेम किया, उनमें विद्या बहुत नहीं थी, उनका कुल ऊंचा नहीं था, लेकिन तो भगवान का प्रसाद, भगवान के प्रसाद में कोई गुण कारण नहीं है। भजन चाहिए, प्रेम चाहिए, तो भगवान का प्रसाद वहाँ प्रकट होता है। तो जो प्रसाद भगवान ने गोपियों को दिया, गोपियों के प्रति जितना भी प्रसन्न है, वह प्रसाद लक्ष्मी जी ने नहीं पाया। नायम श्रीयंग उ नितांत रते है प्रसादम प्रसाद। नितांत जो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण से कृष्ण में लगी हुई है, उनके अंगों पर निवास करती है, लक्ष्मी को भी यह प्रसाद नहीं मिला जो गोपांगनाओं को मिला। और स्वर जो सीताम नलिन गंध रुचाम कुतुल्या, और इंद्र आदि की पत्नियों को भी, इंद्र की पत्नी, देवताओं की पत्नियों को, देवियों को, यहाँ तक कि उपेंद्र की पत्नी को भी, जो भगवान की पत्नी है इंद्र में, स्वर्ग में, इन स्त्रियों को भगवान का वह प्रसाद, वह कृपा नहीं मिली जो गोपियों को मिली। जबकि उनके देह से कमल की गंध निकलती है, देवताओं की स्त्रियों के शरीर से कमल की गंध निकलती है, नलिन गंध रुचाम। जब देवियों को भी यह कृपा प्रसाद भगवान का नहीं मिला, तो अन्य स्त्रियों के बारे में क्या कहना, कुतो अन्य। क्या सबसे बड़ा प्रसाद हुआ, रासोत्सवे से भुजदंड गृहित कंठ लब्धा शिशाम या उद्गात ब्रजबल लवीना। रासोत्सव में, रास उत्सव में, रास करते समय अस्य भुजदंड गृहित कंठ, भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से जिनका गला, जिनका कंठ आलिंगित हुआ था, भगवान अपनी इच्छा से उनके कंठ में गलबाही दे करके नाचे थे। एक गोपी इधर है, एक गोपी इधर है, बीच में श्री कृष्ण है, और फिर श्री कृष्ण, फिर इसके बाद गोपी, फिर श्री कृष्ण, इस तरह से नाचे भगवान। इतना अंतरंग संबंध, भुजाओं से कंठ पकड़ पकड़ करके और गोपियों को चूमते हुए, अपना सौभाग्य मानते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण नाचे थे। ऐसा सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला। कभी लक्ष्मी जी को भगवान ने गलवाही नहीं दिया। चरण में लौटती रहती है, ठीक है, लेकिन ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। और स्वर किसी भी स्त्री को नहीं मिला, जो सौभाग्य भगवान ने गोपियों को दिया। रास मंडल में भगवान के भुजाओं, भगवान के कंठ को ये पकड़ी थी, और भगवान भी अपने भुजा को उनके कंठ में डाले थे। अतः इस संसार में सबसे महान, सबसे सौभाग्यवती, सबसे धन्य जीवन कोई व्यक्ति है तो वो है गोपियाँ। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आसाम गोपी नाम चरण रेणु जुसाम हम श्याम, इन गोपियों के चरण धूलि से युक्त कोई छोटा पौधा लता तीर्ण में हमारा जन्म दे दीजिए। तो ऐसे जगह जन्म दीजिए ब्रज में, जहाँ से गोपियाँ आती जाती हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और उनके चरणों की धूल उड़ती है, और उड़ी हुई धूल छोटे छोटे पौधे पर पड़ती है, बड़े वृक्षों पर नहीं पड़ती है। इसीलिए उद्धव जी लता का जन्म चाहते हैं। ब्रज के लता पता मही की जाए। और जब गोपियाँ चलती हैं, जैसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब चलती हैं जल्दी जल्दी, अपने परिवार से बचना है, स्वजनों से बचना है, कोई देखे ना, क्योंकि परकिया भाव है, परकिया भावे अति रसे रउल्लास, इसमें बहुत रस है। और इसीलिए भगवान जानबूझ करके अपनी प्रियाओं को ऐसे जगह जन्म दिए, और उनके रूप गुण को देखे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के रूप गुण को वे देखें,
तो उन दोनों में प्रेम हुआ, पर प्रेम में बाधक समाज है, परिवार है। तो इसके लिए वे श्री कृष्ण से मिलने का जब चांस होता है तो बहुत तेज गति से चलती है, जल्दी जाना है। तो जल्दी जल्दी चलने से रज उड़ती है उनके चरणों के आघात से। वो रज उड़ उड़ करके पत्ते पर, लता पर और छोटे पौधे पर पड़ती है, घास पर पड़ती है। तो उद्धव जी यही चाहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, जब मेरा आगे जन्म हो तो मुझे आसन इन गोपियों का चरण रेणु जुसाम, जिसे इनके चरण रेणु से युक्त जन्म हो, ऐसे गुल्म लताओं सिद्धि नाम, लता झुरमुट, लता और औषधि अनाज आदि में छोटे छोटे पौधे, जैसे चना है या गेहूं है, ये छोटे छोटे पौधे हैं, बहुत नहीं बढ़ते हैं, या तृण है, दूब है, इनमें से किमपी कोई जन्म दे दीजिए, कोई जन्म, चाहे घास में जन्म, चाहे लता में जन्म जो जमीन पर फैलती है, ऊंचा चढ़ने वाली लता नहीं, जमीन पर जो लता फैलती है, ऐसी लता में, गुल्म में हमारा जन्म दे दीजिए, जैसे गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती रहे। या दुस्तजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम सुतभि बिमिर ज्ञान, जो दुस्तज आर्ज पथ को, पति सेवा के मार्ग को छोड़ करके और मुकुंद के पदवी का भजन करती हैं। मुकुंद कहाँ हैं, किस कुंज में बैठे हैं, नदी के किनारे हैं या गिरिराज जी के गुफा में हैं या पर्वत पर हैं, वहाँ वे जाती ही थी, जाती ही थी, कभी नहीं मांगती थी। इनके सामने आर्ज पथ परित्यक्त था और कई बार गुरुजन लोग जबरदस्ती इनको रोकते थे, परिवार के कई लोग मिल करके, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, जैसे रासलीला के अवसर पर। लेकिन गोपियाँ कहती हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। 10-20 व्यक्ति लगे रहते थे पकड़ने में, ये रात को कहाँ जा रही है। लेकिन भगवान के प्रेम का बल ऐसा होता है कि सब हार जाते थे। एक भक्त ने, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है कि जैसे कोई नदी की प्रखर धारा हो, बहुत तेज धारा बरसात में, और उसमें कुछ लोग नौका पर चढ़ गए हैं और नौका छूट चुकी है, और जल के महान धारा में नौका बह रही है, बह रही है, तो उसको कोई तट पर खड़ा होकर कहे रुको रुको रुको, उसे कहने से वो नौका नहीं रुकेगी। अगर कोई पकड़ा, अगर पकड़ने की कोशिश किया तो वो भी झोंका खाकर उसी में बह जाएगा। तो ऐसे गोपियों को कई लोगों ने रोका, पति ने रोका, देवर ने रोका, और सास ससुर सब मिले हुए हैं, रोक रहे हैं, कई लोग रोके, भाइयों ने रोका, तुम कृष्ण के पास नहीं जा सकती हो, नहीं जा सकती हो। लेकिन हाथ छुड़ा करके, इतना बल था गोपियों में भगवत प्रेम का कि वे चली ही गई, चली ही गई। गोविंदा प्रहृतात्मानो न निवर्तन तन मोहिता, एक तरफ गोविंद का वेणु गीत खींच रहा था, भगवान नाम ले लेकर के बुला रहे थे, ललिते विशाखे राधिके इत्यादि वो बुला रहे थे कि आओ आओ, और इधर परिवार के लोग, समाज के लोग खींच रहे थे। लेकिन इतना बल था भगवान के प्रेम में कि सबको परास्त करके चली ही गई। ये भगवत की कथा है रास पंचाध्याय में। गोविंद एक तरफ खींच रहे थे और एक तरफ ये लोग खींच रहे थे, और गोविंद भी डायरेक्ट हाथ से नहीं खींच रहे थे, अपने बांसुरी के आवाज़ से खींच रहे थे। इतना बल है भगवत प्रेम में कि गोपियाँ नहीं रुकी, चली ही गई। और वहाँ जाने के बाद श्याम सुंदर ने किस तरह इनसे बात किया, रास विहार किया। मैं भगवान की कृपा से, राधा गिरधारी की कृपा से इस कथा को बॉम्बे में कहूँगा, क्योंकि वहाँ जो प्रभु हैं उनका नाम ही है रास बिहारी। और गत वर्ष गिरिराज धरण की कथा वहाँ हुई थी, तो गिरिराज धरण के बाद रासलीला आती ही है, 28वें अध्याय के बाद 29वां चालू होता।
तो क्रम से पहुंची हुई कथा है। कई लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि रासलीला नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जब क्रम से पहुंचा है तो क्यों नहीं कहना चाहिए, तो कही जा सकती है कथा। तो इस तरह गोपियों में बहुत जो श्री कृष्ण के लिए आर्ज पथ स्वजन सब कुछ छोड़ करके और मुकुंद पदवी में भेजो, मुकुंद पदवी का अर्थ है मुकुंद जहाँ पर है वहाँ चले जाते थे। और एक और सौभाग्य गोपियों का था कि जिनके चरणारविंद चरण की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, यावै श्रियार्जितम आजाद भी ब्रह्मा शिव आदि जिन चरणों की सेवा करते हैं, और आप्त काम जोगेश्वर लोग भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, चरण का ध्यान करते हैं। सेवा कहाँ सेवा करते हैं, आत्मनि अपने हृदय में अपने मन में चिंतन करते हैं, चरण नहीं मिलता है लेकिन मन में भावना करके श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा करते हैं। उसी चरणारविंद को, चरण कमल को, कृष्णस्य तद भगवतस्य चरणारविंदम, उसी चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर अपने स्तनों पर रख करके और अपना दुख दूर की थी। न्यस्तम स्तनेषु बिजहुः परिरभ्य तापम, रासलीला में जब थोड़े देर के लिए भगवान विश्राम कर रहे थे, विश्राम मतलब रुक गए थे थके मांदे, तो भगवान कुछ ऊपर बैठे थे और गोपियाँ उनके चरणों के पास आकर के, भगवान अपने चरण को फैलाए थे, ऐसे फैलाए थे आराम कर रहे थे, भगवान के चरणारविंद को चरण के ऊपर के भाग को अपने स्तनों पर रख करके अपने को सुखी की थी और भगवान का ताप दूर किया, भगवान की थकावट दूर किया था। तो ऐसा सौभाग्य जिन चरणों की सेवा केवल लक्ष्मी जी करती हैं और आत्मनी और आत्मनी का था, और जोगेश्वर लोग, मुनि लोग, ब्रह्मा शिवादि केवल ध्यान में भगवान की पूजा करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं, उसी चरण को भगवान ने गोपियों के वक्षस्थल पर रखा था। वो स्वयं ही श्री कृष्ण के चरण कमल को उठाकर अपने वक्षस्थल से सटाई थी, और कई दिन कई बार ऐसा होता रहता था। तो कौन ऐसा भाग्यशाली है, ऐसे गोपियों को नंद बाबा के ब्रज में जो स्त्रियाँ रह रही हैं, चाहे वो स्त्री ब्रज में चाहे कोल भील की स्त्री हो चाहे गोपी हो, किसी भी स्त्री मात्र को उद्धव जी प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह जासाम हरिकथोद्गीतम पुनः त्रिभुवन त्रयम, मैं नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्री मात्र के, सभी स्त्रियों के चरण के रेणु की वंदना करता हूँ निरंतर, अनंत अनंत वंदना करता हूँ, निरंतर मैं वंदना करता हूँ, जिनके मुख से गाया हुआ गीत सारे जगत को पवित्र कर रहा है। जासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम, इतना पवित्र पावन गान है गोपियों का, उनकी बोली कृष्ण के विषय में इतनी पवित्र है कि तीनों लोकों के जीव से सुन करके समस्त दुख से और दुर्वासना से मुक्त हो जाते हैं। जिनके गीत का ऐसा प्रभाव है कि लोगों की दुर्वासना, काम वासना, स्वसुख वासना सब नष्ट हो जाती है। वो गोपियाँ स्वयं ही काम वासना में है ये सोचना तो महामूर्खता होगी। असल में मनुष्य का स्वभाव है अपने भावों को भगवान पर भी आरोपित करता है, स्वयं कामी है, दुष्ट है, वासना में है, तो भगवान पर भी जब सोचता है तो सोचता है ये भी ऐसे लंपट अपने समान देखता, आत्मोपमेन सब अपने ही समान समझता है। लेकिन गोपियाँ वास्तव में इस जगत में सबसे पूज्य हैं। ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं, और सारे संत महापुरुष और स्वयं भगवान इस बात को कहे हैं। धन्य है गोपी प्रेम की ध्वजा, सूरदास जी लिखे गोपियाँ प्रेम की ध्वजा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ हैं कृष्ण से प्रेम करने में। ऐसे प्रेम का उदाहरण कहीं